करने के बाद इस बेल के आइकन को जरूर दबाइए जिससे आप मेरी सारी वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो हाय गाइस, मुझे पता है अब भी याद है मेरा बर्थडे। हम लोग केक वेक कट नहीं करते थे जब मैं गांव में रहता था, अभी जो मैं हैदराबाद हूँ, जब मैं अपने घर पे रहता था हम लोग केक नहीं कट करते थे। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, मेरी मम्मी मेरे को अब भी याद है रेवाड़ी जाती थी तो वहाँ से मैं उनको कुछ मिठाई लाने के लिए बोलता था जब मैं छोटा था। तो हम लोग पता है उसी चीज़ में ज़्यादा खुश हो जाते थे। अब तो केक वेक काटने में उतना मज़ा भी नहीं आता। और सीरियसली मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे को मेरा बर्थडे उतना पसंद नहीं है क्योंकि एज बढ़ती है और उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो थोड़ा बहुत मेरे को पसंद नहीं आता अपना बर्थडे की सेलिब्रेट करना। बट अच्छा है, आज के दिन मैं पैदा हुआ था। मेरी मम्मी ने बताया था कि मैं अप्रोक्सली 5-6 6 या 7 बजे के बीच में पैदा हुआ था। तो गाइस, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, अभी जो मैं करने, ये मैं बहुत पहले से करता हूँ भाई, जब भी मेरे को अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं व्यू के लिए कर रहा हूँ, बट ये मेरे को अच्छा लगता है किसी भूखे को खाना खिलाना, या कोई हो, पशु हो या इंसान हो। और मेरा बर्थडे भी है तो मैंने सोचा कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तो यही कर रहा हूँ यार। कुछ लाइफ में जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको थोड़ा रॉन्ग वे में मत लेना कि मैं शो ऑफ करने के लिए या ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ या यूट्यूब के लिए मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। तो गाइज़ प्लीज़, ये मैं सिर्फ, मेरे को अच्छा लगता और मैं कुछ अपनी लाइफ की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो इसीलिए ये सब दिखा रहा हूँ। खाना खिला के गया था मैं, और पता है किसी स्कूटी वाले ने अभी हिट कर दिया इसका, अभी रिसेंटली किसी ने। ओह माय गॉड, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है यार, समझ में नहीं आ रहा। अभी सिर्फ 2 मिनट पहले मैंने इसको खाना खिलाया था, हे भगवान। तभी कहता हूँ यार, स्ट्रीट डॉग का कोई नहीं होता, हम लोग ही हेल्प करेंगे। भगवान क्या बोलो यार, अभी आया था इनको खाना खिलाने। तो सही बताऊँ आप लोगों को, पता है जब मैं वापस आ रहा था तो यहाँ पे एक जो स्ट्रीट डॉग था वो किसी स्कूटी वाले ने हिट कर दिया, और मैंने सही रिसेंटली 2 मिनट पहले इसको खाना खिलाया था। तो गाइज प्लीज़ हेल्प किया करो यार, स्ट्रीट डॉग की कोई नहीं है, इनका हम लोग हेल्प करेंगे तभी तो है जिंदा, तो प्लीज़ यार हेल्प किया करो। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको दबाने के लिए लाया हूँ, रुक मैं हेल्प करूँगा तेरी, रुक, पत्थर निकलेगा इसमें दबा, वही थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बड़ा बुरा लग रहा है यार, प्लीज़ यार हेल्प किया करो स्ट्रीट डॉग की यार, सब कोई भी वीडियो देख रहा है तो।
तो भाई सबसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, इनके हेल्प किया करो यार। कोई नहीं होता, थोड़ा बहुत लगता है, प्लीज़ हेल्प कर दिया करो इनकी। और प्लीज़ यार थोड़ा देख के चलाया करो गाड़ी, अगर किसी को एक्सीडेंट भी हो जाता तो प्लीज़ उसकी हेल्प किया करो, कम से कम इतना उसको ट्रीटमेंट दे सको। तो गाइज़ प्लीज़ यार थोड़ा हेल्प किया करो, बाय।